एक डाइस या पासा जो है उसका एक व्यू अगर देखा जाए तो आप मैक्सिमम तीन सतह देख सकते हैं। उसके एक व्यू में आप तीन पड़ोसी सतह देख सकते हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक। ऊपर का सतह दिखेगा नीचे नहीं, सामने दिखेगा पीछे नहीं, दाहिने दिखेगा बाएं नहीं, ठीक है। मैक्सिमम आप तीन सतह देख सकते हैं। अगर ये आपका पासा है, डाइस, लूडो खेलते हैं वो वाला पासा, बोले इस पर क्या लिखा रहता है, एक दो तीन चार पांच छह, वाह, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे ही रहता है। तो अगर हम उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, बिंदु है, उनको अगर टोटल देखें तो एक दो तीन तीन छह चार दस पांच पंद्रह और छह इक्कीस होगा, यानी छह सतह, जो पासा का छह सतह है उस पर कुल इक्कीस लिखा हुआ है। जोड़ करके अगर देखते हैं, औसत की बात करें, एक सतह का अगर एवरेज देखें तो इक्कीस बटा छह, तीन दशमलव पांच, साढ़े तीन, यानी एक सतह का एवरेज मान साढ़े तीन का है। अगर हम लोग इस तरह से उसको अरेंज करें कि वो एवरेज साढ़े तीन का बरकरार रहे, दूसरे ढंग से भी सोचने पर, जैसे एक के विपरीत सतह पर छह लिख दें, जहां एक लिखा है उसके विपरीत छह लिख दें, तो इस विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ सात होगा, और दो सतह का अगर योग सात है तो एक सतह का साढ़े तीन हो जाएगा। जहां दो लिखा है उसके विपरीत पांच लिख दें, और जहां तीन लिखा है उसके विपरीत चार लिख दें, तो इस केस में प्रत्येक विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सात होगा और एवरेज देखेंगे एक सतह का साढ़े तीन हो जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति आपको कभी मिले जिसमें विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सात मिलता है, ऐसा अगर नजर आएगा तो उस डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। आप किसी अच्छे कंपनी का लूडो देखिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड होगा, एक का विपरीत छह, दो का विपरीत पांच और तीन का विपरीत चार रहेगा। अगर एक जोड़ा विपरीत सही दिखा और बाकी दोनों नहीं दिखेगा वह स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। स्टैंडर्ड होने के लिए तीनों पेयर होना चाहिए। मान लीजिए आप सूट पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, लेकिन नीचे हवाई चप्पल पहन लेते हैं तो स्टैंडर्ड नहीं होगा ना। स्टैंडर्ड होने के लिए तो ऊपर से नीचे टोटल चाहिए आपको। तो वैसे ही डाइस में भी स्टैंडर्ड होने के लिए तीनों पेयर जो है वो आपको ये फुलफिल करना चाहिए। मान लीजिए एक आपको ऐसा मैं व्यू देता हूं, ये व्यू है, इस व्यू से ऐसे देखने पर क्या ये बतला पाएंगे ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड? पांच का विपरीत दो तो हो जाएगा, लेकिन तीन का विपरीत चार नहीं है, चार तो पड़ोस में है, इसलिए ये आपका क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये मानक नहीं होगा। बोले ये भी नॉन स्टैंडर्ड, छह और एक जो है वह पड़ोसी आ गया जबकि विपरीत दिखना चाहिए था। एक का विपरीत छह हो सकता है, चार का तीन हो सकता है, दो का पांच। तो देखिए जो व्यू मुझे मिल रहा है इसके अनुसार हम नॉन स्टैंडर्ड नहीं करते हैं। तो जब नॉन स्टैंडर्ड नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। जैसे आप न्यूज देखते हैं टीवी में,
न्यूज रीडर डेस्क न्यूज रहता है, न्यूज रीडर का इतना ही दिखता है, देखते हैं टाई लगाए हुए है, कोट उट पहने हुए है, तो मानकर चलते ना जो व्यू मिल रहा है मुझे उसके अनुसार स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो मानकर चलते हैं स्टैंडर्ड होगा, जब इधर मिल ही रहा है तो इधर भी होगा ही होगा, ये मान करके आप चलते हैं, वही चीज यहां भी होगा। एक का विपरीत छह, चार का तीन, दो का पांच, तो इस व्यू के अनुसार एक ही व्यू है, इस व्यू के अनुसार ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो परीक्षा में ना एसएससी रेलवे में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देखा है कि इनमें कौन सा मानक पासा है, चार विकल्प दे दिया बतलाइए, या ऐसा भी नजर आया ऑड मैन आउट में डाल दिया, क्वेश्चन ना ऑड मैन आउट में डाल दिया, अब इसमें कहा जाता दिए गए पांच में से चार एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा उत्तर। देखिए इसमें एक का छह, तीन का चार, दो का पांच, चार का विपरीत तीन, छह का एक, पांच का दो, चार का तीन, छह का एक और दो का पांच, यहां तीन और चार तो पड़ोसी आ गया, यानी उन तीनों को स्टैंडर्ड बनने का संभावना है और इसे स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, ये तो नॉन स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो कभी कभी ऑड मैन में ये चीज नजर आ जाएगा आपको, ये आपका स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एक छोटा सा वैरायटी रेलवे एसएससी में दिखता है इस स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पर, लिख लीजिए। अब जो हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन कन्फर्म रेलवे और एसएससी की परीक्षा में या स्टेट सर्विस कमीशन या सीसेट में एक क्वेश्चन निश्चित इस वैरायटी से मिलता है परीक्षा में। आपके क्वेश्चन में आप देखते होंगे ऐसा दो या तीन या चार फिगर डाल देगा, सबके ऊपर अंक रहेगा, किसके विपरीत कौन होगा, या उस पर तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग अभी ऐसा दो फिगर से चल रहे हैं, जो इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे तीन फिगर भी रहेगा, चार फिगर भी रहेगा, तो इसी से काम हो जाएगा, अलग से काम नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसे मुझे दो फिगर नजर आया, अभी सुविधा के लिए हम इसका नामकरण करते हैं व्यू ए और व्यू बी। ये दो अलग अलग पासा नहीं होगा, एक ही पासा, एक ही डाइस का दो अलग अलग व्यू होगा, यह ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रहेगा वह टू व्यूज रहेगा ऑफ ए डाइस, एक ही पासे का दो अलग अलग व्यू होगा। मान लीजिए यहां लिखा था दो, यहां था पांच और यहां तीन, जब आपके क्वेश्चन में एक साथ दो तीन चार व्यू दिया जाए तो यह नहीं जरूरत है देखने का कि वह स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। सोचिए यहां पर अभी मैंने इस तरह से लिख दिया तीन अंक, हम जानते हैं टोटल छह अंक होता ही है। अब बोलिए उसी का दूसरा व्यू जब लीजिएगा तो तीन जब यहां लिखे तो शेष तीन वहां लिख सकते हैं, एक कंडीशन, या ऐसे भी संभव है इसमें से एक वहां ले जाए दो नया बुला लें, या यह भी संभव है इसमें से दो चीज वहां ले जाए एक नया बुला लें। अगर हम इसमें से तीनों चीज को वहां ले जाएंगे तब तो व्यू सिमिलर हो जाएगा, इसलिए व्यू डिफरेंट होने के लिए, अलग व्यू है उसका, उसके लिए मुझे तीन तरह से सोचना पड़ सकता है। इसमें से कोई एक चीज वहां ले जाओ दो नया बुला लो, इसमें से दो चीज वहां ले जाओ एक नया बुला लो, या इसमें से कुछ नहीं ले जाओ तीनों नया बुला लो, ये तीन कंडीशन हो सकता है। एक एक करके सीखते हैं, ठीक है, एक एक करके सीखते हैं।
यहां दो लिखे, यहां छह लिखे, यहां एक लिखे। बोले अब अभी जो मैंने उदाहरण दिया इसमें कितना सतह समान है, एक सतह समान, अंक दो जो है वह समान है। तो पहला वैरायटी सीख रहे हैं एक सतह समान। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, मान लीजिए यह दिया हुआ है आपको, कहा जाएगा पांच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड इन कहेंगे अच्छा पांच, विपरीत में दो होगा, दो तो यहां पर आ गया, सोचेंगे कैसे बनेगा। एक तो पूछा जाएगा पांच के विपरीत क्या है, दूसरा आपसे ऐसे पूछा जाएगा वो दोनों व्यू देख लो और उन दोनों व्यूज के देखने के बाद यहां चार, यहां छह और यहां ब्लैंक स्पेस, यहां कौन सा अंक होगा ये बतला देना। यानी वो दोनों देखने के बाद यहां कौन सा अंक है आप ये बतला देना। तीसरा इसमें ऐसे पूछा जाएगा, ये जो दो व्यू आपके सामने है इसमें ये बतलाओ कि व्यू ए के नीचे, इसका ये ऊपर का सतह इधर नीचे का सतह कहलाएगा, व्यू ए के नीचे सतह तथा व्यू बी के पीछे वाले सतह, ये कहलाएगा सामने, उधर कहलाएगा पीछे। व्यू ए के नीचे सतह तथा व्यू बी के पीछे सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है। इस पर जो अंक आपने लिखा है उसका जोड़, उसका योग कितना है आप बतला दो, उस पर लिखे अंकों का योग बतलाना है आपको। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं एक ही डाइस का दो व्यू जिसमें एक सतह कॉमन हो तो कैसे बनाएंगे। ये जो आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल है ना, इसको आप क्या कीजिएगा, थ्री डायमेंशनल जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इसको खोल करके टू डायमेंशनल बना दीजिएगा। जैसे आप सीखे थे पिछले दिन क्लास में, मित्र बना देता था सारा आंसर, बस वही है टू डायमेंशनल। मित्र को बुला लीजिए, मित्र को बुला लीजिए, सभी आंसर वही कर देगा। जैसे कल हम लोग कलर करने वाला वैरायटी सीखे थे, उसमें सारा क्वेश्चन वही मित्र बना देता था, क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछा जाए। यहां भी वही चीज होगा, मित्र को बुला लेते हैं, यह है आपका मित्र, ये चार सतह, सोचिए चारों को ऐसे मोड़ेंगे तो एक एनक्लोजर बनेगा, चारों के ऊपर छत लग जाएगा और चारों के नीचे फर्श लग जाएगा, यह रहेगा मित्र। ऑल द सिक्स स्पेसेस नजर आ रहा है जिसमें ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट है, ऑल्टरनेट स्पेसेस आर अपोजिट, ये सब मालूम था। अब देखिए कैसे काम करेंगे, जब कभी क्वेश्चन में एक सतह समान रहे आप कॉमन सरफेस को यहां लिखिएगा अपनी सुविधा के लिए। वैसे हम कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन अपनी सुविधा के लिए कॉमन सरफेस ऊपर लिखिएगा। बोले अभी कॉमन सरफेस क्या है, दो, हम लिखेंगे दो ऊपर, दोनों में से कोई एक व्यू ले चलेंगे, आप उसको लीजिए या इसको लीजिए, आंसर में कहीं कोई अंतर नहीं, समान होगा, कोई एक व्यू लेते हैं, ये दो है, दो से ये पांच पड़ोसी है और पांच से ये तीन भी पड़ोसी है, तो ये बताइए ये तीनों आपस में पड़ोसी है और अगर मैं दो से चलता हूं तो घड़ी की सुई के अनुसार यानी क्लॉकवाइज चलता हूं, दो के बाद पांच और पांच के बाद तीन, आप यहां आइए, दो, दो के बाद पांच और बोलिए पांच के बाद तीन, दो पांच और तीन, आप यहां से एक साइड से बढ़िए, इधर से आएंगे तो यहां नीचे नहीं आएंगे, नीचे आएंगे तो ये तो विपरीत हो जाएगा, बोले वो तीनों तो आपस में पड़ोसी है इसलिए तीनों आपस में पड़ोसी है तो दो पांच और तीन यहां लिख दीजिए। अब फिर वहां आइए, फिर दो से शुरू कीजिए, फिर क्लॉकवाइज बढ़िए, दो छह और एक, 261 हो जाएगा, यहां से देखिए यहां से बढ़ेंगे ऐसे, यानी एक व्यू यहां जाएगा दूसरा व्यू यहां सेट हो जाएगा। बोले बच क्या गया, यहां लिख देंगे सारा विपरीत तैयार है, दो के विपरीत
एक के विपरीत तीन और छः के विपरीत पाँच, सभी विपरीत आपका तैयार है। अभी जैसे आपके मन में था कि आपने इधर वाला व्यू लिया तब तो आया, अगर हम उधर वाला व्यू लेते तब क्या होता, कुछ नहीं, सेम आंसर। देखिए उधर का व्यू अगर लेते कॉमन यहाँ लिखते, देखिए 261 यहाँ से लिखते आप 261, यहाँ पर फिर इधर वाले व्यू में आते 253 253 यहाँ लिखते हम 253, यहाँ बचता चार, देखिए सेम है, दो के विपरीत चार, तीन के विपरीत एक और पाँच का विपरीत छः, सेम आंसर रहेगा। इसलिए आप एक ही काम करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, आपको एक काम, चाहे तो उस व्यू को पहले उठाइए चाहे इस व्यू को पहले उठाइए, एक सतह कॉमन रहे कॉमन सरफेस यहाँ लिखिए, और जब यहाँ से बढ़िएगा तो आप एक आदत बना लीजिएगा, हमेशा क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, आदत बना लेंगे हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, चल सकते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन अब उसमें आदत बनाना पड़ेगा कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा, लेकिन अभी आदत बना लेंगे हमेशा क्लॉकवाइज, एंटी शब्द से ऐसे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, इसलिए आदत बना लेंगे हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। तैयार है, अब देखिए आंसर भी बना हुआ है, बोले पांच के विपरीत क्या आया, पांच के विपरीत छः, ये भी बना हुआ है, कैसे क्या करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस खाली स्थान होगा ना, क्लॉकवाइज जब आदत बना लिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने के दौरान ब्लैंक स्पेस को अंत में रखिएगा, बोलिए चार छः खाली जगह, आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ आइए, चार छः इधर तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, उधर जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा, तो बोले चार छः और तीन, आप यहाँ से आइए, देखिए चार छः इधर जाएगा, तो बोले इधर जाने का अर्थ हुआ ये वाला घूम करके इसके साथ बंद होगा, तीन हो गया, क्योंकि ये तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए ना ऐसे खोल दिए हैं, ये तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऐसे बंद है, इन्हीं दोनों को तो हम लोग इधर करके ऐसे खोल दिए, तो बोले चार छः और यहाँ पर क्या हो गया तीन, इसका भी आंसर ये भी बन गया अपने आप। मैंने आपसे पूछा व्यू ए के नीचे, अच्छा बोलिए व्यू ए में ऊपर क्या लिखा है, उठाकर देख लेते हैं नीचे क्या है, उठा तो नहीं सकते हैं, लेकिन बोलिए ऊपर जो पाँच है ना उसका जो विपरीत होगा वही तो नीचे लिखा होगा, बोले पाँच के विपरीत छः, तो ये वाला छः है, और व्यू बी के पीछे सतह पर, बोले व्यू बी में सामने क्या है एक, तो एक का जो पीछे ऑपोजिट होगा एक का विपरीत तीन, अब बोले दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो छः और तीन जोड़ करके नौ हो जाएगा आंसर, इसका बन गया आंसर, लिख लीजिए। ये था एक सतह समान, ऐसे ही सीख लेंगे दो सतह समान, ऐसे ही सीख लेंगे कोई समान नहीं होता, इस पर तीन अलग उस पर तीन अलग अंग होता तो क्या करना है वो भी जान लेंगे।
लिख लिया। ये सामने है तो पीछे उधर होगा, सामने में एक है तो उसके पीछे जो रहेगा उसका ऑपोजिट वाला, तो बोले एक के विपरीत क्या है, तीन। इसलिए व्यू बी में पीछे सतह पर तीन लिखा होगा, ये ऊपर है उसका विपरीत नीचे आएगा, ऊपर में क्या लिखा है पांच, तो पांच के विपरीत देखिए क्या है छः, तो उसके नीचे में छः लिखा मिलेगा, तीन और छः को जोड़ देना था, आंसर हो गया नौ। ठीक है, हो गया सबका लिखना। बोले जब एक सतह समान रहता है तो तीनों जोड़ा विपरीत आपका स्पष्ट रूप से मिल जाता है। बोले इस बार एक डाइस का दो व्यू मैंने लिया, इस बार एक डाइस का दो व्यू मैंने लिया, इन दोनों व्यूज में कितने सतह समान हैं, इनमें आपका दो सतह समान है, इन दोनों व्यूज में दो सतह समान है, सेम मेथड। मित्र को बुला लेंगे, जो समान सतह होगा ऊपर लिखेंगे, लेकिन अभी चूंकि दो सतह समान है हमारी इच्छा, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ भी आप लिखिए, हम दोनों लिखकर बता देंगे, कोई अंतर नहीं आने वाला है। अभी के केस में हम पहले टू लिखते हैं, फिर हम एक और बना देंगे जिसमें कॉमन सरफेस क्या था तीन, वो लिखकर बना लेंगे, कोई भी लिखिएगा आंसर वही रहेगा। इसलिए जब दो सतह समान हो आप लिख लीजिए कॉमन सरफेस ऊपर, क्या था एंटी क्लॉक या क्लॉक, क्लॉकवाइज घूमेंगे। आइए दो से छः, छः से तीन, दो से छः, छः से तीन, देखिए दो छः और तीन, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है दो छः और तीन। अब यहां आइए, फिर दो से ही चलेंगे ना, दो तीन और चार, दो तीन, तीन तो लिखा हुआ है, दो तीन और चार,
समाप्त। बोले छह के विपरीत चार, दो के विपरीत क्यों, एक का ही नहीं होगा। बोले यहां पांच भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तीन के विपरीत एक भी हो सकता है, पांच भी। यानी इस स्थिति में एक जोड़ा विपरीत स्पष्ट है, बाकी दोनों जोड़ा विपरीत स्पष्ट नहीं है। यहां देखिए तीन दो और छह, 326, 326। बोले 342। अगर मैं यहां से लिखता हूं 342 तो दो बार लिखा गया, इसलिए यहां से नहीं लिखना होगा। चार यहां नहीं लिख सकते थे, यहां नहीं लिख सकते, ये तो अपोजिट हो जाएगा, जबकि पड़ोसी है। यहां से लिखते हैं ऐसे तीन चार और दो। बोले यही वाला दो तो घूम कर आ गया, यहां वही वाला दो जो है वह घूम कर आ गया, वहां पहुंच गया। तो ये रहा तीन चार और दो। अब बोले इस केस में भी तो सेम चीज है, चार के विपरीत दो का विपरीत पांच और एक में से कोई भी, और तीन का विपरीत एक और पांच में से कोई भी। इसलिए जब दो सतह समान रहे, कोई भी एक कॉमन सरफेस उठा लीजिएगा और क्लॉकवाइज घूम करके काम कीजिएगा। इसमें यह ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों जोड़ा विपरीत नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जोड़ा विपरीत मिलेगा, बाकी आइदर और में आंसर जाएगा। लिख सकते हैं, लिख लिया। तो एक सतह कॉमन का तरीका जान गए, दो सतह समान रहे वो मेथड जान गए, तीनों सतह समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तीनों सतह समान हो जाएगा तो सेम व्यू रह जाएगा। हटा दें इसको, इस बार क्वेश्चन में ऐसा एक डाइस का दो व्यू दिखा मुझे। इसमें बोलिए कितना सरफेस कॉमन, एक भी नहीं,
कोई भी सतह समान नहीं, एक भी सतह इसमें कॉमन नहीं, कोई सतह समान नहीं, नो सरफेस कॉमन। इस केस में तो अभी तो हम बना लेंगे, आगे कभी और बनाने की नहीं आवश्यकता आपको। इस केस में सीधा कह देते हैं किसी के विपरीत हम निश्चित नहीं बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे एक का विपरीत पूछूं तो छह भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, दो और पांच नहीं होगा, ये तो इसका पड़ोसी है। इसलिए एक का विपरीत आपका अगर चलेंगे तो एक के विपरीत छह चार तीन में से कुछ भी हो सकता है, वैसे ही दो के विपरीत भी हो तीनों में से कोई भी, यानी उधर वाले सरफेस के विपरीत इधर कुछ भी, उधर वाले का विपरीत इधर कुछ भी होगा, कोई भी रह सकता है। देखिए कैसे, देखिए दोनों में कोई कॉमन है नहीं, इसलिए आप कहीं से भी शुरू हो जाओ। हम एक से लेते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, 152 हम यहां फिक्स कर देते हैं, 1/2 क्लॉकवाइज फिक्स कर दिया। अब बोले दूसरे वाले व्यू में जब 6 से चलेंगे 634, एक तो कॉमन है नहीं, कहीं से भी चल सकते हैं। अब ये बताइए 6 कहां लिखें, नीचे, अच्छा यहां 6, यहां 3, यहां 4, 634, 6 यहां भी तो लिख सकते थे। अगर यहां 6 लिखे होते तो बोले यहां 3 होता, यहां 4 होता, यहां भी तो 6 लिख सकते थे, यहां 6 होता तो बोले यहां 3 लिखे होते और यहां 4 होता। क्योंकि यहां पर जब कोई कॉमन है नहीं तो हम कहीं से भी 634 लिख सकते हैं। तो बताइए एक का विपरीत 643 में कोई भी, दो का विपरीत 634 में कोई भी, पांच का विपरीत 634 में कोई भी, यानी यहां पर कोई भी आपका निश्चित विपरीत नहीं बन पाता है। ठीक है, लिख लीजिए, अब ये बना दिया, आगे से जहां देखेंगे कोई कॉमन नहीं, जरूरत ही नहीं है, पूछेगा दो के विपरीत कहेंगे तय नहीं कर सकते हैं, 634 में कोई भी कर दीजिए। लिखना हो जाए तो बोलेंगे, हो गया। तो एक डाइस के दो व्यू जब मिलता है, एक ही डाइस का दो अलग अलग व्यू, तो तीन कंडीशन बन सकता था, नो सरफेस सिमिलर, वन सरफेस सिमिलर,
टू सर्फेसेस सिमिलर, थ्री नहीं बन सकता है, थ्री बनता है तो सेम व्यू होता। तीनों चीज आप सीख चुके, बोले इसमें कौन सा चीज था जो सबसे बढ़िया नजर में, हर एक चीज डेफिनेट पता चल गया, वन ठीक है, एक सतह समान, हर एक चीज विपरीत, एकदम तीनों पेयर विपरीत आप बतला सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन में अगर एक साथ तीन चार पांच व्यू भी नजर आएगा ना, एक ही क्वेश्चन में देखिएगा चार फिगर, आप स्थिति में हैं, बना सकते हैं, क्या कीजिएगा, उनमें से दो उठा लीजिएगा। कैसा दो जी, आप बताइए कौन सा दो उठाएंगे तो बढ़िया रहेगा, जिसमें एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन वाला दो सर दो भी उठा लीजिएगा, सब ऑपोजिट निकल गया, और मिलना ही मिलना है, एक सतह कॉमन वाला आपको मिलना ही मिलना है। देखिए क्यों मिलना ही मिलना है, रीजन देखिए, इसलिए एक सतह कॉमन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जहां मोर देन टू व्यूज थ्री व्यूज रहा था, एक व्यू है, नाम देते हैं पी, एक और व्यू है उसी डाइस का, नाम है क्यू, उसी का एक और व्यू है, नाम है आर, ये तीनों है। एक सतह कॉमन मिलना ही मिलना है, देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने यहां चार लिखा, यहां तीन और यहां पांच लिख दिया, नेक्स्ट वाले व्यू में हम एक सतह दो सतह नहीं, कोई कॉमन ही नहीं लेते हैं, बोले एक छह दो, कोई कॉमन नहीं लेते हैं। अब बताइए जब नेक्स्ट में हम चलेंगे तो नया तो है नहीं, इन्हीं से बोरो करना पड़ेगा, आप ही दे दीजिए, अगर ये साहब तीनों तो नहीं दे सकते हैं, अगर ये अपना एक सरफेस देंगे तो ये दो देगा, और अगर ये दो सरफेस देगा तो वो एक सरफेस देगा, तो बोले एक सरफेस कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए जहां मोर देन टू व्यूज थ्री फोर व्यूज दिखता है ना, एक सतह कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, आप उन दोनों को सिर्फ उठा लीजिए, आंसर हो जाएगा अपने आप। अब ये बताइए क्या P और Q जोड़ करके काम होगा, ये वाला बढ़िया नहीं है, P और R जोड़ेंगे तो तीन और पांच, तीन और पांच, दो दो कॉमन होगा, Q और R अगर आप जोड़िएगा तो एक सतह समान है, इसलिए जब आपके क्वेश्चन में मोर देन टू व्यूज मिले, दो से अधिक आपका व्यू मिलता है एक डाइस का, चाहे वो तीन व्यू हो चाहे चार व्यू हो, मोर देन टू व्यूज मिले, आप ऐसे दो व्यूज को लीजिएगा जिसमें एक सतह समान होगा। सीख चुके हैं, मित्र को बुला लेते हैं, आ गया मित्र, क्या करना है बोलिए, कॉमन सरफेस लेना है, कहां लिख देंगे, लिख दिया ऊपर, ये दोनों है ना, 621 यहां लिख दिया, 621 और यहां लिख दिया 653, यहां लिख दिया 653, यहां क्या हुआ चेक कर लेते हैं, इसको नहीं देखे थे ना, इसको चेक कर लेते हैं, बोले 354 क्लॉक चाहिए, 354 क्लॉक, 354 क्लॉक हो गया, चेक कर लीजिए, आ गया आपका चेक करने पर, हो गया तैयार आपका, अब जो पूछा जाए आंसर देंगे किसके विपरीत। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें मुझे तीनों व्यूज में नीचे लिखे अंकों का प्रोडक्ट बतलाना है, गुणनफल, तीनों व्यू में नीचे लिखे अंकों का गुणनफल बतलाओ, बोलिए पी वाले में ऊपर क्या लिखा है, तीन, तो तीन का विपरीत एक, दूसरे में देखिए छह लिखा है ऊपर, छह का विपरीत चार, तीसरे वाले में पांच लिखा है ऊपर, पांच का विपरीत दो, दो आंसर हो गया, बन गया आंसर, समझ आ गया प्रोसेस, लिख लीजिए।
तो आप तीन के जगह चार भी दे देंगे तो काम हो जाएगा, आप दो भी उठाइए और आंसर दे दीजिए। इसलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है आपका, एसएससी हो या रेलवे हो, स्टेट सर्विस कमीशन हो, बीएड एंट्रेंस टेस्ट हो, सीसेट की परीक्षा हो, एक क्वेश्चन इस वैरायटी में मिलेगा ही मिलेगा आपको। बैंकिंग में नहीं दिखता है, बैंक वाले एग्जामिनेशन में नहीं दिखता है ऐसे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको तीन के जगह चार पांच छह रहेगा सब बन जाएगा, ये तो क्यूब की बात पासा है उसकी। इसमें क्वेश्चन में कभी कभी ना क्यूबॉइड घनाप का आता है, ब्लॉक शब्द लिखा रहेगा क्यूबॉइड रहेगा, उस पर अलग अलग सरफेस को कलर करके किसके विपरीत क्या होगा पूछा जाता है। सिलेंडर पर भी क्वेश्चन मिला एक बार, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पर भी नजर आया। तो कल पहले वो सब छोटा छोटा वैरायटी सीखेंगे और तब उसके बाद घन को काटने वाला जो वैरायटी होता ना, कि एक क्यूब के कहा जाएगा एक घन के दो पड़ोसी सतह पर नीला, एक जोड़ा विपरीत सतह पर हरा और शेष सतह पर गुलाबी है, इसको 64 छोटे छोटे घनों में बांट देते हैं। तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा होगा वह भी गुलाबी से, ऐसे कितने घन होंगे जिन पर रंग नहीं होगा, तीन सतह वह भी भिन्न रंग से रंगे घनों की संख्या बतला दो, ऐसे करते हुए अलग अलग फरमाइश करके क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले कल जो वो वैरायटी वो सब सीखेंगे और तब फिर घन को रंग कर काटने वाला वैरायटी पर आ जाएंगे फिर हम लोग।